हेलो गाइस, दिस इज निर्भय और आप देख रहे हैं रॉकली गेमिंग चैनल। तो यार आज हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के नए अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, पबजी ने ये आज ही अपलोड किया है प्ले स्टोर के अंदर, और जो इसका साइज़ है 1.59 GB की अप्रॉक्सीमेटली है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू यूज़र हैं उनके लिए भी यही साइज़ पड़ेगा। और जैसे कि आप सुन सकते हैं इसमें इन्होंने थीम तो पूरा ही चेंज कर दिया, बिल्कुल स्नो का लगा दिया है। पहले का थीम अलग था, आपका अलग है, और अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊँगा। और ये देखिए जो बैकग्राउंड में मेरी जो नॉइज़ चल रही है इसको मैं कम कर देता हूँ। ये भी नई एक तरह से रिंग टोन आई है इनकी, यहाँ पे ट्यूनिंग आई है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। और जो अगली चीज़ है वो है इसकी स्किन, ठीक है, M762 की एक स्किन है, वो अभी नई आई है। ये देखिए स्नो स्किन आई है, बहुत ही अच्छी है यार मेरे को, मैं सोच रहा हूँ उसको खरीद दूँ। लेकिन अब इसके लिए मुझे क्रेट खोलने पड़ेंगे, वो डिपेंड होता है लक पे। अगर आपका लक अच्छा निकलता है तो आपको ये स्किन मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए ऊपर लिखा और नीचे लिखा भी हुआ है ओपटेन विया यूसी क्रेट्स, ठीक है। तो जो भी आप मतलब कि आपको ऑप्टेन करनी पड़ेगी यूसी से, जो भी आप क्रेट खरीदेंगे, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ अगर मैं इसको खरीदूँगा तो कौन सी वो लगेगी। तो यहाँ पे मुझे पबजी लकी क्रेट खरीदनी पड़ेगी, तब जाके मुझे ये है स्किन मिलेगी। तो मैं फ़िलहाल मैं अभी सोच रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को पक्का यकीन नहीं है कि मैं अभी खरीदूँ या नहीं खरीदूँ, ये डिपेंड है मेरे पे, ठीक है। जो अगला अपडेट आया है वो ये आया है इसका सेटिंग में, ठीक है। अब सेटिंग में जाके अगर आप वहाँ पर आते हैं सेंसिविटी में, सॉरी यहाँ पे आते हैं आप कंट्रोल में, तो कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे अगर आपको अब तीन तरह के लेआउट आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप क्लैश ऑफ क्लैन में खेलते होंगे या क्लैश ऑफ क्लैन जिन्होंने भी खेला होगा, तो वहाँ पे भी आप अपना जैसे कि अपना बेस जिस हिसाब से बन जाते थे उस हिसाब से आपको यहाँ पर लेआउट का ऑप्शन मिल गया है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो यार ये चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा इसलिए अच्छी लगी क्योंकि आप तीन आप अलग अलग टाइप के अपनी कस्टम वो बना सकते हैं लेआउट, और उनों को आप अलग अलग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहले बार इसमें क्या था कि एक ही कर सकते थे आप, और ये चीज़ बहुत ही लिमिटेड थी, मतलब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन ये जो अपडेट आया है वो भी अच्छा है। अब एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कि अभी फ़िलहाल लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं भाई देखिए यहाँ पर अब विकेंडी मैप तो है ही नहीं, तो यार पबजी वालों ने बोला है विदिन 24 आवर्स के अंदर वो इसको अपलोड कर देंगे इसमें पबजी के अंदर, पबजी मोबाइल के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका पूरा बैकग्राउंड ही चेंज कर दिया, म्यांमार और सनहॉक एरेंगल, बड़ा अच्छा मैप है इनकी। और चलो खेलेंगे जल्दी, मैं इन पर मैच करूँगा, और भी अगर मेरे को कोई न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बताऊँगा। और एक और जो प्रॉब्लम अभी आ सकती है आपको वो ये है, अगर आपके फ्रेंड आपके साथ खेलना चाहें तो उनको अपडेटेड वर्जन ही करना पड़ेगा, वरना आप उनके साथ नहीं खेल सकते, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था इसकी 1.59 GB की इसकी फाइल है, हर एक को डाउनलोड करनी पड़ेगी, वरना आप स्क्वाड बना के नहीं खेल सकते। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें मिसमैचिंग हो जाती थी, यानी कि अगर आप मैच कर लेते थे फिर आप उस मैच को छोड़ के वापस लॉबी में आ जाते थे, तो यार ऐसे में होता क्या है, अब उन्होंने एक्शन लिया है इसके ऊपर, और वो हो सकता है आपको वहाँ से बैन भी कर दें। तो यार इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको वापस लॉबी में नहीं आना है, उस मैच को कंटिन्यू करना है। आर्केड में नहीं कह रहा हूँ मैं, क्लासिक की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो इन्होंने पबजी वालों ने किया क्या है, क्विक चैट में भी कुछ नए फीचर्स डाल दिए हैं। अब ऐसे में कुछ नए नए चैट्स निकल के आते हैं, जैसे कि मैं आप खुद सुनाता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी जो वॉइस सुन सकते हैं कितनी बढ़िया है। तो इनके लिए भी ये देखिए जो बॉक्सेस हैं वो एक्स्ट्रा कर दिए हैं, अगर आप इनको जोड़ना चाहें तो। यहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए साइड में एंटर का ऑप्शन, अगर आप गेट टू द सेफ जोन एसएप, ठीक है, तो इस पर मैं एंटर करता हूँ तो मेरे इसमें आ गया। मैं जब भी सर्च क्विक चैट में जाऊँगा तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ, तो कोई वाली यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो ये पता चलेंगी टेक्निक, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो मेरे को बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।